एक बहुत मशहूर कहानी जो कुछ इस तरीके से जाती है। बहुत टाइम पहले एक गधा हुआ करता था जो बीच में कहीं खड़ा था और उसके एक साइड भूसा रखा था बहुत सारा और एक साइड पानी की बकेट रखी थी। अब ऑब्वियसली इस गधे को दोनों पानी पीने का मन कर रहा था और उसको भूसा खाने का मन कर रहा था, लेकिन वो बस डिसाइड नहीं कर पा रहा था। तो वो बस वहीं पे खड़ा रहा कंफ्यूज्ड और वो डिसीजन नहीं ले पा रहा था और वो भूखा प्यासा मर गया वहीं पे खड़े खड़े। डिसाइड ना करने की वजह से ये गधा मर गया। अब ऑब्वियसली एक गधा फ्यूचर के बारे में नहीं सोच सकता है, लेकिन अगर वो सोच सकता तो वो ये रियलाइज करता कि वो दोनों में से कोई भी काम कर लेता और फिर उसके बाद दूसरा काम कर सकता था। लेकिन आपको एक बात बताऊं, हम सब लोग अपनी जिंदगी में इसी गधे की तरह कभी ना कभी एक्ट करते हैं। हम लोग बहुत डर जाते हैं एक डिसीजन लेने में और फिर उसको अमल करने पे। तो एक तरीके से हम लोग इस गधे की तरह ही रह जाते हैं। हम लोग बहुत शॉर्ट टर्म में सोचते हैं। इसको छोड़ के हम लोगों को ये करना चाहिए, हम लोगों को ये याद रखना चाहिए कि हम लोगों की जिंदगी लंबी है। अगर हम लोग ये मान लें कि अभी आप 25 साल के हैं तो आप ये तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप 85 साल तक जिंदा तो रहेंगे ही। तो इसका मतलब है कि आपके पास अभी 60 साल बाकी हैं अपनी जिंदगी में। 60 साल ऐसे जिसमें आप हर चीज ट्राई कर सकते हैं, तो आपको जल्दी किस बात की है। हम सब लोग ये किसी ना किसी लेवल पे कर चुके हैं। मान लीजिए कि आप एक नॉवेल पढ़ना चाह रहे हैं लेकिन आपका कल एक एग्जाम भी है, तो ज्यादातर टाइम इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो नॉवेल कितनी अच्छी हो। आपको पता है कि आपका कल एग्जाम है तो आप एग्जाम के लिए पढ़ाई करेंगे और फिर एग्जाम से वापस आके आप अपनी नॉवेल पढ़ लेंगे। लेकिन अगर आप वहीं पे फंस जाए और आप डिसाइड ना कर पाए कि या तो नॉवेल पढ़नी चाहिए या एग्जाम के लिए पढ़ना चाहिए, तो ना ही आप नॉवेल एंजॉय कर पाएंगे और आप अपने एग्जाम में भी फेल हो जाएंगे। तो हम लोग को इसी तरह की सोच अपने लाइफ पे भी अप्लाई करनी होगी। अगर आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि आपको बिजनेस शुरू करना चाहिए या एक जॉब ढूंढनी चाहिए, तो बस कोई भी डिसीजन ले लीजिए, वो काम करिए और फिर दूसरी चीज बाद में कर लीजिए। मान लीजिए आपने एक बिजनेस शुरू कर दिया, उसके ऊपर कुछ सालों तक काम करिए और फिर अगर वो नहीं चल पाया तो फिर आप एक जॉब पकड़ लीजिए। लेकिन अगर आप बीच में फंसे रहेंगे कंफ्यूज और डिसीजन नहीं लेंगे तो फिर आप अपनी लाइफ में किसी भी चीज पे सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। अब जब आपको मैंने ये बता दी कि डिसीजन लेना इम्पोर्टेंट क्यों है, मैं आपको अब कुछ मेंटल मॉडल्स दूंगा जो आप यूज कर सकते हैं अपने लिए सबसे अच्छे डिसीजंस लेने के लिए। लेकिन मैं इससे पहले आपको ये बताऊं, मैं ये चाहता हूं कि आप एक चीज बहुत ध्यान से समझ लें जो मैंने पहले भी एक वीडियो में कहा था। सक्सेसफुल लोग सही डिसीजंस नहीं लेते हैं, वो अपने डिसीजंस को सही कर देते हैं। अगर आप सक्सेसफुल बनना चाहते हैं तो आपको ये बहुत ध्यान से समझना होगा। चाहे आप जो भी डिसीजन ले लें अपनी लाइफ में, आपको ऐसा माइंडसेट रखना होगा कि आप उस डिसीजन को सही बना दें। अगर आप एकदम पूरी तरीके से हर चीज गलत भी कर दें तो तब भी आप उस डिसीजन को एक लर्निंग एक्सपीरियंस की तरह यूज कर सकते हैं ताकि आप आगे वो गलतियां ना करें। अगर आपको इस आइडिया के बारे में और जानना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक डाल दूंगा मेरे उस वीडियो पे जिसमें मैंने ये बात बताई है। अब मैं आपको बताता हूँ वो डिसीजन मेकिंग मॉडल्स। एक बुक है जिसका नाम है द डिसीजन बुक। अब हो सकता है आप सोच रहे हो कि यार मुझे तो मॉडल्स की कोई जरूरत नहीं है, मैं तो अपने आप से ही अच्छे डिसीजंस ले लेता हूँ। लेकिन मैं आपको ये याद दिलाना चाहूंगा कि जब आप अपने लिए खुद से डिसीजंस ले रहे होंगे बस अपने दिमाग में, तो बहुत स्ट्रक्चर्ड तरीके में वो नहीं होगा। इस वजह से आप काफी सारी चीजें मिस कर सकते हैं जो नहीं होगा अगर आप इन मॉडल्स को यूज करेंगे। ये मॉडल्स आपके लिए और चीजें आसान कर देंगे क्योंकि वो सारी डिटेल्स ध्यान में नहीं रखते हैं, वो सिर्फ रेलिवेंट बातों पे देखते हैं। वो उन्हीं चीजों पे फोकस करते हैं जो यूजफुल है आपके लिए और वो आपके थॉट्स को बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज कर देते हैं। तो पहला मॉडल है आइजनहावर मैट्रिक्स। यूएस के प्रेसिडेंट ड्वाइट आइजनहावर कहते थे कि आपके सबसे अर्जेंट डिसीजंस जो होते हैं वो हमेशा सबसे इम्पोर्टेंट नहीं होते हैं। ये हमेशा याद रखिएगा। मान लीजिए आज आपको अपना होमवर्क खत्म करना हो, ये बहुत अर्जेंट डिसीजन है, तो इसका ये मतलब नहीं कि ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है आपकी लाइफ के लिए। तो आपको एक आइजनहावर मैट्रिक्स बनानी चाहिए। इसको अर्जेंट वर्सेस इम्पोर्टेंट मैट्रिक्स भी कहते हैं। आपके पास जो भी काम है उनको चार कैटेगरीज में रख दीजिए। नॉट इम्पोर्टेंट, नॉट अर्जेंट, नॉट अर्जेंट बट इम्पोर्टेंट, अर्जेंट बट नॉट इम्पोर्टेंट एंड अर्जेंट एंड इम्पोर्टेंट। पहले अर्जेंट और इम्पोर्टेंट टास्क को फौरन कर लीजिए, उसके बाद नॉट इम्पोर्टेंट और नॉट अर्जेंट टास्क को बाद के लिए छोड़ दीजिए। डिसाइड कर लीजिए कि कब आप इम्पोर्टेंट बट नॉट अर्जेंट टास्क करेंगे और फिर किसी और से आप अपने नॉट इम्पोर्टेंट बट अर्जेंट काम करवा लीजिए। मैं एक चीज आपको और याद दिलाना चाहूंगा कि
कि आपको एक हैबिट बना लेनी चाहिए नॉट अर्जेंट बट इम्पोर्टेंट टास्क हर रोज करने की। अगर आप ये नहीं करेंगे तो फिर आप हमेशा इनको डिले करते रहेंगे और फिर उसको आखिरी मिनट पे आपको करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके एग्जाम्स अगले महीने, तो ये एक इम्पोर्टेंट बट नॉट अर्जेंट टास्क है, तो इसलिए आपको अभी से ही पढ़ाई शुरू कर देनी चाहिए जब आपके पास पीस ऑफ माइंड है, ताकि आपको एक रात पहले जग के ना पढ़ना पड़े और आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर कर ले। अगले मेंटल मॉडल को कहा जाता है SWOT एनालिसिस। इसका फुल फॉर्म है स्ट्रेंथ्स वीकनेसेस अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। तो मान लीजिए कि आप डिसाइड करना चाह रहे हैं कि आपको अपनी जॉब्स शिफ्ट करनी चाहिए या नहीं, तो उस केस में आप SWOT एनालिसिस यूज कर सकते हैं। आपकी स्ट्रेंथ्स क्या है, क्या आप अच्छे नेटवर्कर हैं, क्या आपके कोई सोर्सेज हैं, क्या आप कॉम्पिटेंट हैं कि आप एक दूसरी जॉब ढूंढ पाएंगे। आपकी वीकनेसेस क्या है, क्या आप एक बुरे टीममेट हैं, क्या आपके बॉस आपको अच्छे रेफरेंसेस नहीं देंगे, क्या आप एक बुरे नेगोशिएटर हैं और आप ज्यादा अच्छी सैलरी नहीं पा पाएंगे, क्या अपॉर्चुनिटीज हैं आपके सामने, क्या आपको और ज्यादा पैसे मिलेंगे और अच्छा जॉब सेटिस्फेक्शन और अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ आपके फैमिली के लिए, और फाइनली आपके लिए क्या थ्रेट्स हैं, क्या आप अपनी लाइफ सेविंग्स खो सकते हैं, क्या आपको मुश्किल होगी कार लोन लेने के लिए, क्या आप अपने बच्चों की जिंदगी डिसरप्ट कर देंगे एक नए शहर में मूव करके। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इन चारों फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए फिर एक अच्छा सा डिसीजन लें अपने लिए। ये मेथड आपको ये नहीं बताएगा कि आपको क्या करना चाहिए, लेकिन ये आपके थॉट्स को ऑर्गेनाइज कर देगा ताकि आप अपने लिए एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन ले लें, चाहे बिजनेस के लिए या आपकी पर्सनल लाइफ के लिए। अब अगला मॉडल है कॉन्सिक्वेंसेस मॉडल। ये मॉडल बहुत सिंपल है। किसी भी प्रोजेक्ट के शुरू में आपको अपने डिसीजंस के साथ बोल्ड रहना होगा, क्योंकि तभी उन डिसीजंस के सबसे ज्यादा कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। अगर आप एक सॉफ्टवेयर बना रहे हैं तो आपको जल्दी से जल्दी सारी बड़ी बड़ी चीजें डिसाइड करके अपने टीममेट्स को बतानी होंगी, छोटी छोटी डिटेल्स के बारे में सोच के और एक डिसीजन ना लेके आप और पीछे रह जाएंगे। हमेशा ये याद रखिएगा कि एक डिसीजन ना लेना भी एक डिसीजन ही होता है अपने आप में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप थोड़ा सा धीरज रखिए और शुरू में ही अच्छे डिसीजंस जल्दी जल्दी लीजिए, ताकि आप अपना टाइम बचा सकें। अब अगला मॉडल है क्रॉस रोड्स मॉडल। कभी कभी हम लोग अपनी लाइफ में ऐसे मोड़ पे या चौराहे पे आ जाते हैं जहाँ पे हम लोग डिसाइड नहीं कर पाते कि हम लोग को कहाँ जाना है। जब आप उस पॉइंट पे हो अपनी लाइफ में, तो अपने आप से ये 5 क्वेश्चंस पूछिएगा। आप कहाँ से आए हैं, अपने बचपन के बारे में, अपने घर के बारे में सोचिए, वो हर चीज जिसने आपको आज बनाया है जो आप हैं। आपके लिए क्या चीजें इंपॉर्टेंट हैं, वो क्या 3 चीजें जो आपके लिए सबसे ज्यादा मैटर करती हैं, ऐसी चीजें जिनके बिना आप रह नहीं सकते। कौन से लोग आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं, किस तरह के लोगों का आप ओपिनियन सबसे ज्यादा वैल्यू करते हैं, कौन सबसे करीबी लोग हैं आपके, क्या चीज आपको रोक रही है, क्या आपको रोक रहा है उस चीज के पीछे जाने के लिए जो आप एक्चुअली चाहते हैं, और किस चीज से आप डरते हैं। वो लोग, वो सर्कमस्टांसेस और वो चीजें लिख लीजिए जो आपको रोक रही हैं एक्शन लेने से, क्योंकि आप उनसे डरते हैं। अब इन सारी चीजों को देखिए और फिर सोचिए कि क्या ये आपकी जिंदगी की कहानी बता रही है। क्या आपको लगता है कि आपने अपनी लाइफ के बारे में हर चीज लिख ली है? अगर कुछ रह गया तो आप फिर से एक दो वर्ड्स और लिख लीजिए। अब मैं आपको 6 रास्ते बताऊंगा जो आपके आगे हैं, और आप इनमें से कोई भी ले सकते हैं। एक तो है वो रास्ता जो आप हमेशा ट्राई करना चाह रहे हैं, द रोड दैट बिगिंस। एक है आपकी ड्रीम रोड, जो आप हमेशा अपने ड्रीम्स में करना चाहते थे। एक है सेंसिबल रोड, वो रास्ता जो सबसे ज्यादा सेंसिबल लगता है आपको और आपके घर वालों को। एक है रोड नॉट ट्रैवल्ड, वो रोड जो आपने कभी सोची नहीं कि इस पे जाया जा सकता है। एक वो रोड है जिस पे आप ऑलरेडी जा चुके हैं, और आखिरी रोड है वापसी वाली रोड, जहाँ से आप आए हैं अभी। अब इनमें से कोई भी रास्ता चुनना पूरी तरीके से आपका डिसीजन है, लेकिन आपको डिसाइड करना होगा कि आप किस तरह के इंसान बनना चाहते हैं, और फिर उस रोड के पीछे जाइए जो आपके लिए बेस्ट हो, और तभी आप वैसी लाइफ जी पाएंगे जैसी आप हमेशा जीना चाहते हैं। अगला मॉडल है द फ्लो मॉडल। इस मॉडल को यूज करके आप वो डिसीजंस ले सकते हैं उन चीजों के बारे में जो आपको खुश रखेंगी। US के साइकोलॉजिस्ट एक थे मिहाई, जिन्होंने ये ढूंढा कि लोग सबसे ज्यादा खुश रहते हैं जब वो एक स्टेट ऑफ फ्लो में आते हैं। मैं आपको बता दूं फ्लो क्या चीज होती है। कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि आप किसी चीज में एकदम मगन हो गए, जैसे आप कोई फोटो ले रहे हैं या आप कोई गाना लिख रहे हैं, और फिर आपको टाइम का भी कोई सेंस रहा ही नहीं। इसको कहा जाता है फ्लो। फ्लो 5 चीजों की वजह से होता है कि या तो आप किसी एक्टिविटी पे बहुत ज्यादा फोकस्ड होंगे, और वो आपकी अपनी खुद की चॉइस होगी, ना ही वो बहुत आसान है ना ही वो बहुत मुश्किल है, उसका एक क्लियर गोल है और आपको फौरन फीडबैक मिल रहा है कि आप काम सही से कर रहे हैं या नहीं। तो अगर आप ये डिसाइड करना चाह रहे हैं कि आपको कौन सा करियर चूज करना चाहिए, तो उस चीज के तरफ जाइए जिसमें आप फ्लो में रहते हैं। और आखिरी मेंटल मॉडल मैं आपको जो बताऊंगा वो है पेरेटो प्रिंसिपल। पेरेटो प्रिंसिपल बेसिकली ये कहता है कि 80% रिजल्ट्स आपके 20% काम करने से आते हैं।
तो आपको इसी 20% पे फोकस करना होगा, क्योंकि इसी से आप और जल्दी अपने गोल्स की तरफ जा पाएंगे। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ इस चैनल को यूज़ करके। जब मैं एक वीडियो बना रहा होता तो मुझे आसपास 10 चीज़ों का ध्यान रखना होता है। एक बुक पढ़ के उसके ऊपर रिसर्च करनी होती है, एक स्क्रिप्ट लिखनी होती है, नरेशन रिकॉर्ड करना होता है, उसको एडिट करके उसके ऊपर म्यूजिक ऐड करनी होती है, वीडियो को एनिमेट करना होता है, नरेशन और वीडियो को सिंक करना होता है, एक्सपोर्ट करना होता है, एक डिस्क्रिप्शन लिखना होता है, एक थंबनेल बनाना होता है और एक टाइटल लिखना होता है। लेकिन अगर आपने यूट्यूब के बारे में कुछ देखा है तो आपको पता होगा कि ज्यादातर व्यूज वीडियो पे सिर्फ आखिरी की दो चीजों से आती हैं, थंबनेल से और टाइटल से। तो यही वो 20% है जहां पे मुझे फोकस करना होगा अगर मैं अपना चैनल और अपने व्यूज बढ़ाना चाहता हूँ। अब मैं आपको एक और इम्पोर्टेंट बात याद दिलाना चाहूंगा कि माना कि मुझे 20% चीजों पे फोकस करना चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं बाकी चीजों को इग्नोर कर सकता हूँ। ये बहुत कॉमन गलती है जो और लोग करते हैं पेरेटो प्रिंसिपल को लेके। अगर मैं अच्छी स्क्रिप्ट ना लिखता या अच्छा नरेशन ना बनाता तो फिर आप मेरे वीडियोस देखना ही बंद कर देते हैं, तो वो 80% भी इम्पोर्टेंट है। तो हाँ, मुझे 20% पे फोकस तो करना चाहिए, लेकिन 80% को मैं इग्नोर नहीं कर सकता। काफी लोग पेरेटो प्रिंसिपल को एक एक्सक्यूज की तरह ले लेते हैं और आलसी बनने के लिए। ये आपकी सारी प्रॉब्लम्स का कोई क्योर नहीं है, ये आपके ध्यान में बस वो चीजें लाएगा जिस पे आपको फोकस करनी चाहिए अपने रिजल्ट्स बढ़ाने के लिए। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं होप करता हूँ कि आपने इस वीडियो से कुछ नया सीखा, और अगर ऐसा है तो प्लीज उस लाइक बटन को क्लिक करिए और सब्सक्राइब करिए ऐसे ही वीडियोस और देखने के लिए। अगर आपको द डिसीजन बुक खरीदनी है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।